पुष्पा कुमारी दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा। ए, 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 ए। अरे तू कहीं भी होगी लेकिन मेरे सामने आ। तू चाहे किसी को भी धोखा दे सकती है लेकिन इस डेविल देविका के सामने तेरी दाल गलेगी नहीं। अभी यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो जा। टेल मी द आंसर। ए भूत, ए भूत, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये तो वैसे बुला रही है जैसे घोड़े के रेस में घोड़े को बुलाते हैं। ये कोई नया तरीका होगा। बड़ा खतरनाक तरीका। इस पूरे इलाके में भूत भगाने में नंबर वन है मेरी दीदी। दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा। कोई नहीं डरना मत। माता जी लगता है कोई आया है। आजा 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 आजा। अरे आजा ना। मैं देखी हूँ। ये तो सच सच में आ गए क्या? मेरे सामने नाटक करेगी? मंत्र वाला पानी काम कर रहा है। मेरे सामने नाटक दिखा रही है। अरे और एक आ गया। देखिए। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। माता जी आपने बोला था कि हमारे साथ एक भूत है। ये वही है माता जी, अभी दिखाता हूँ। अरे मैं जिंदा हूँ। अरे तुम क्या थे? मैं जिंदा हूँ यार। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके गलती की है। अरे किसे पूछ कर तूने पानी फेंका? Who is the ghost? ये मुझे पता नहीं क्या? मंत्र वाला पानी फेंकने के लिए तो रखा था ना। अरे तुझे तो ना मैं। आप ही कुछ कीजिए देविका जी। अरे हाँ, मुझे हाथ लगाएगा डेविल देविका को? ठीक है, अगर ये भूत नहीं तो वो अंगूठी कैसे आई? पूछो इससे। वो अंगूठी कैसे आई? टेल मी द आंसर। बताता हूँ माता जी, मैंने जो डेड बॉडी देखी वो लेखा की डेड बॉडी थी क्योंकि दोनों में सेम अंगूठी थी। वो सोने की थी क्या? माता जी इसके फ्लैशबैक में जाकर हम लोग असली भूत को भूल गए। नहीं नहीं नहीं। ए, पानी फेंक देने की वजह से भूत नाचने लगा है। अब देखो मैं कैसा ट्विस्ट करती हूँ। ये नीम के पत्ते लेकर देखो कैसे घुमाती हूँ। इसने तो मेरा सारा पानी फेंक दिया है। अब काम। अरे क्या माता जी, आप तो चुपचाप बैठी हो, उसका कुछ करो। ए, वो मंत्र वाले चावल निकालो। वो तो चावल कबूतर खिला रहा है। अरे 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 अरे, सबके भूखे। यहाँ सिचुएशन क्या है और तुम लोग कबूतर की तरह वो मंत्र मारे चावल खा रहे हो? अरे तुम लोगों का क्या करूँ मैं, बेवकूफ लोग। अरे 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 अरे, यहाँ भूत ना आने के लिए मैंने एक बंधन बांधा था लेकिन तुम लोगों ने उसको डैमेज कर दिया है। अरे तू सर्कस से छूटे हुए बंदर की तरह क्या बैठा है? उठ जा, जा 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 जल्दी जा, मंत्र मारे चावल लेकर आ जल्दी जा। माता जी अब आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे आप? अरे वहाँ अंदर मंत्र मारा हुआ कपड़ा है, उसे कोई लेकर आओ। अभी जाइए माता जी। कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, मैं ही लेकर आती हूँ। अभी जाइए माता जी। उसको बताना है, उसे ले जा रहा हूँ, उसे बताना है, उसको बताना है। अरे बाप रे। अरे इसे साइड में लेकर जाओ और सब लोग मेरे साथ मंत्र बोलो। जल्दी जल्दी जल्दी। दिम दिम दिमा 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 दिम दिम खींच कर पकड़ना छोड़ना मत।
इस पूरे इलाके में भूत भगाने में मेरी दीदी नंबर वन है। 11,500 दक्षिणा देकर निकल जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो
लेखा, लेखा, ये क्या कर रही हो तुम? इन लोगों को क्यों डरा रही हो? लेखा, तुम इस तरह ऊपर लटक के स्पाइडरमैन की तरह क्यों डरा रही हो? तुम लोग क्यों हम दोनों को जुदा कर रहे हो? क्योंकि तुम एक भूत हो। और तुमने अन्ना जी को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद पानी में गिरकर मर गया था। उसमें मेरी क्या गलती है? तुम जो बोल रही हो सब झूठ है। मैं जो कह रही हूँ वही सच है, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सिर्फ अपने जय के साथ रहना चाहती हूँ और तुम लोग हमें जुदा कर रहे हो। लेखा, तुम इतनी सेल्फिश मत बनो, मेहरबानी करके तुम यहाँ से चली जाओ। तुम और जय साथ मिलके नहीं रह सकते, यही सत्य है, इसे मान लो। तुम लोगों ने जय को मेरे साथ जीने नहीं दिया तो मैं जय को अपने पास लेकर आऊंगी। क्या कहा? ए जय, जय मेरे पास आ जा। आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं जाने के लिए बोलोगी ना तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मुझे देखकर डर गए क्या? ये लोग मुझे तुमसे जुदा करना चाहते हैं। मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन अब तुम ही मुझे देखकर डर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम रो मत, तुम रोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। जय, तुम तो एक मिनट भी मुझसे जुदा नहीं रह सकते थे ना? लेकिन अभी थोड़ी देर तक ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे, मुझे कभी याद नहीं करोगे। तुम्हें भूलकर मैं कैसे जी सकता हूँ लेखा? मैंने भी तुम्हारे साथ जीने के लिए सबके साथ लड़ाई की, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे, ये प्रॉमिस किया था ना? लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे माफ कर दो जय। मैंने भी एक बात छुपाई, तुम मर चुकी हो ये बात मैं पहले से जानता था। Thank you.
क्या? शर्ट पर कीचड़ लगी है। नाव के चप्पू में कीचड़ था, उसी से। उसकी वजह से कीचड़ लगा? लेखा, तुम मर चुकी हो ये बात मुझे पता थी। अगर ये बात तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती, इसीलिए तुमसे छुपा कर रखा। थैंक्स जय, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? जो जिंदा है उसके साथ कोई भी मरा हुआ कभी भी रह नहीं सकता। गांव के लोग कुछ भी बोलें, मेरे दोस्त चाहे मुझे छोड़कर चले जाएं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जय, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा लेखा। नहीं जय, तुम्हें जीना होगा। मरने के बाद भी दोनों साथ जीने के लिए सोच रहे हैं। कितना अद्भुत प्रेम है दोनों में। एक बात कहता हूँ, अगर हम सब मरकर भूत बने तो हम अच्छे फ्रेंड बनकर ही रहेंगे। कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यार लेकर, आज के बाद उल्टा मत लटकना, मुझे डर लगता है। लेखा मरने के बाद भी जितना मुझसे प्यार करती थी